मैं भी गौर किया है, बहुत सारे लोग जिस एज पे चल रहे हैं उनके आ चुके हैं, अवसर आए हैं और आ भी सकते हैं अभी, लेकिन हर किसी की लाइफ में तीन अवसर आते हैं। कभी गौर किया हो यदि 50-60 तक के हैं तो तीन अवसर आते हैं आपको कुछ करने के लिए, ईश्वर आपको देता है, लेकिन हम उसको शायद समझ नहीं पाते, हम पकड़ नहीं पाते, वो राइट टाइम हमें समझ में नहीं आता कि हम यदि पकड़ेंगे कर पाएंगे। एक हम लोगों में हेजिटेशन होता है, एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जो कि पहले के टाइम पे ज़्यादा था, आज तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप ही। और आज जब वीरांगना में बैठे तो कॉन्फिडेंस रियली, यदि यहाँ पर आपने चार मीटिंग भी अटेंड की तो आ जाएगा। तो एक आदमी होता है उसको बहुत परेशान होता है, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही होती है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा होता, तो बहुत परेशान होता है। एक रात को वो ईश्वर से प्रार्थना करके सोता है कि मुझे आप कुछ नहीं करवाते और मेरे को कुछ तो दो, मैं कैसे अपना जीवन यापन करूँ। तो ईश्वर को उस पर दया आती है, तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको अवसर दूंगा, मैं आप कल सुबह जाना और आप को तीन मतलब वो दिखेंगे, बैल दिखेंगे, कहाँ पे, सी बीच पे, तो आप जिसको चाहो पकड़ लेना और आपके लिए वो एक अवसर। तो कहता है ठीक है। तो पहला उसको जब वो सी बीच पे जाता है तो पहले सोचता है सुबह उठ के कि सच में ऐसा था नहीं था, समझ में नहीं आता, कहता लेकिन ठीक है यार जाता हूँ, एक वॉक हो जाएगी मेरी। तो वो वॉक करने जाता है तो एक उसको बैल आता दिखता है, तो वो बड़ा मरियल सा दुबला पतला सा ऐसा चला आ रहा होता है, तो वो कहता है कि ये ईश्वर ने जो कहा था वो है तो सही। तो वो आता है तो उसको देखता है, यार ये तो दुबला पतला सा है, कमजोर सा है, मेरे को इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, तंदुरुस्त करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए अवसर जाने देता हूँ, मैं दूसरा दिन उसको जाने देता है, निकल जाने देता है। सेकेंड आता है तो उसमें थोड़ा सा हेल्दी सा होता है, अच्छा रहता है, अच्छा रहता है, उसको वो पकड़ लेना चाहिए। उसके मन में भी आता है पकड़ लूँ क्या, लेकिन उसको लगता नहीं यार ईश्वर ने कहा तीन मिलेंगे, उसको भी जाने। तीसरा आता है एक दूर से चला आ रहा था, दूर से ही उसकी एक चमक होती है, अच्छी हेल्थ होती है, चाल बहुत अच्छी होती है उसकी, और ईश्वर ने कहा था कि उसकी पूंछ पकड़नी है, बैल का सिर नहीं पकड़ना, गर्दन नहीं पकड़नी, ऐसे नहीं पकड़ना, आपको उसकी पूंछ पकड़ के रखनी। तो वो इतना बिल्कुल उसके जो सींग होते हैं बिल्कुल तने हुए होते हैं, तो बहुत ही हष्ट-पुष्ट हेल्दी, और जो चला आ रहा था जिस स्पीड से उसका लगता है कि वो उसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है। तो वो जब आता है नज़दीक तो वह बिल्कुल तैयार हो जाता है कि अब मैं बस जैसे ही आगे निकलेगा मैं इसकी पूंछ पकड़ लूँगा। और वो जैसे ही बैल आगे निकलता है, वो जैसे ही उसके बैक में जाता है पूंछ पकड़ने के लिए, तो उसकी पूंछ ही नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यदि वो पहला बैल पकड़ लेता तो वो तीसरे तक उसको लिया। पहला अवसर जाने दिया, सेकंड को अच्छा था वो पकड़ सकता था, लेकिन उसको तो पका पकाया चाहिए था। तो वो गया। ये है कि ये जब जीवन में जो अवसर आते हैं उसको यदि राइट टाइम पे हम पकड़ लेंगे तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं, पूरा निकल जाने के बाद उसको पका हुआ खाने का कोई मतलब नहीं। तो ये है कि एक वीरांगना में आपको फ्रेंडशिप मिल रही है, सारी चीजें मिल रही हैं, जो मैं अभी सुन रही थी कि सबको दोस्त बनाने, ये बहुत अच्छा है सारी चीजें, यदि लेकिन व्यक्ति कुछ करना चाहता है सच में तो वो आके यहाँ पर बिजनेस भी कर सकता है, उसको एक वो भी वे है ना, यहाँ पर टू वे चल रहे हैं, आप दोस्ती भी करो सारी चीजें करो, लेकिन यदि आपको सच में कुछ करना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, कॉन्फिडेंस कमाना है, तो वो प्लेस आप राइट प्लेस पे खड़े हैं जहाँ पर आप ये सब चीजें आपको बिल्कुल मिल रही हैं, और वो भी बहुत ही कुछ भी आपको करना नहीं पड़ रहा है। थैंक यू।